नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। मेरा नाम है शंकर और अभी हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू रेनो क्विड के बारे में। रेनो क्विड के बारे में हम अभी कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं आज। और अभी आप जो मॉडल देख रहे हैं रेनो क्विड का, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, क्लाइंबर मॉडल है, जिसकी हम अभी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। रेनो क्विड के अंदर आपको टोटल 5 वेरियंट्स के ऑप्शन यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। अभी आप ये RXT ऑप्शनल मॉडल देख रहे हैं, क्लाइंबर मॉडल, जिसकी 5,12,000 रुपीज़ इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस है इस वाले मॉडल की। बाकी की अगर बात करें तो कुछ ऐसे की आपको इसमें मिलती है। रेनो की ब्रांडिंग है, क्रोम फिनिश के अंदर पीच है जो एक प्रीमियम टच यहाँ पर ऐड करती है। लॉक और अनलॉक के 2 बटन्स आपको इसमें मिलती है। की के अंदर प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आपको एक की मिलती है। कंपटीशन की अगर बात करें रेनो क्विड के, तो मारुति सुजुकी ऑल्टो और डैटसन रेडिगो के साथ ही कॉम्पिटिट करती है इंडियन मार्केट के अंदर। काफ़ी रेनो की तरफ से काफ़ी बेहतर ये प्रोडक्ट है जो हमें यहाँ पर ऑफर किया हुआ है। बाकी फ्रंट अगर प्रोफाइल आप इसका देखते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव इसका डिज़ाइन लगता है। सामने की तरफ से अगर आप इसे देखते हो, एक SUV स्टांस आपको लुक मिलता है रेनो क्विड का सामने की तरफ से। और सामने की तरफ जो आपको इसमें यहाँ पर पूरे LED DRS इसमें दिए गए हैं सामने की तरफ। ये इसके टर्न इंडिकेटर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं LED DRS के नीचे। यहाँ पर आपको डुअल चैम्बर में लोअर हाई बीम के साथ हैलोजन हेडलैम्प्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। इसके कुछ ये ऑरेंज फिनिश के अंदर यहाँ पर ट्रीटमेंट दी गई है जो कि सिर्फ AC मॉडल के अंदर आती है, क्लाइंबर मॉडल के अंदर। बाकी नीचे भी अगर आप यहाँ पर देखते हो, पूरी आपको स्किड प्लेट मिलती है सिल्वर और ग्रे कलर फिनिश के अंदर, जो कि SUV स्टांस यहाँ पर लुक आपको ऑफर कर रही है। बाकी रेगुलेटर ग्रिल भी आप देखते हो फुल ब्लैक फिनिश में आपकी मिलती है। क्रोम का पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। रेनो को बैजिंग आती है पूरी सामने की तरफ से। एक SUV स्टांस आपको लुक मिलता है इस सेगमेंट में, सबसे बेहतर लुक मैं ऐसे कहूँगा रेनो क्विड का। बाकी चलते हैं अभी साइड में अभी हेडलैम्प्स काफ़ी बेहतर इसके लगते हैं। ये जो LED डियरल्स आप देख रहे हैं, एक बेहतर लुक इसे देखते हैं सामने की तरफ से। बाकी सामने की तरफ ये वाइपर्स आपको यहाँ पर मिलता है, एक ही वाइपर है बट पूरी विंडशील्ड क्लीन कर देता है। नीचे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये कुछ इसके टर्न इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हैं नीचे। इसमें आपको अगर टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। ये इसके प्लास्टिक डिकल्स है जो कि प्रॉपर आपको अलॉय व्हील्स की तरह ही यहाँ पर लुक ऑफर करती है। रेनो की बैजिंग आती है यहाँ पर। सस्पेंशन भी आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, काफ़ी बेहतरीन इसमें सस्पेंशन सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है। आप ट्रैवल भी देख सकते हैं सस्पेंशन का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल आपको मिलता है सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा ट्रैवल में से कहूँगा। बाकी क्लैडिंग आपको पूरी मिलती है टायर्स के ऊपर और डोर्स के ऊपर। क्लाइंबर के ऊपर आपको ब्रांडिंग मिलती है। ओवर व्यूम्स अगर आप देखते हैं तो आपको पूरे ऑरेंज फिनिश के अंदर यहाँ पर ऑफर किए गए हैं इसके ओवर व्यूम्स। ऊपर की तरफ भी आपको इसमें ब्लैक फिनिश के अंदर रूफ रेल्स यहाँ पर दी गई है। एंटीना आता है रेडियो के लिए सामने की तरफ। पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी आपको ऑरेंज फिनिश यहाँ पर दी गई है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें रेनो क्विड के अंदर, आपको ABS, ABD, हाई स्पीड वार्निंग और टोटल आपको 2 एयरबैग इस मॉडल में मिलती है। ये इसका टॉप मॉडल है। बाकी बैक प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी एक SUV स्टांस आपको लुक मिलता है रेनो क्विड का। ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें, 184 mm का आपको इसमें पूरा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ऑफर किया हुआ है। पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी आपको इसमें यहाँ पर ये कुछ इसकी स्किड प्लेट ऑफर की गई है। पीछे की तरफ से भी यहाँ पर ऑरेंज फिनिश दी गई है जो प्रीमियम टच यहाँ पर ऐड करती है। ये जो फिनिश आप देख रहे हैं ऑरेंज फिनिश, ये सिर्फ क्लाइंबर मॉडल के अंदर ही आती है। बाकी पार्किंग सेंसर भी आपको मिलते हैं इस वाले मॉडल में। रिवर्स कैमरा आप यहाँ पर ही देख पा रहे हैं रेनो क्विड का, यहाँ पर लोगों के अंदर ही आता है। क्विड की बैजिंग है, रेनो की बैजिंग है। पीछे रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। ये इसके टेल लैम्प्स है, हैलोजन में टेल लैम्प्स आते हैं इसमें। बाकी पीछे से भी काफ़ी बेहतर आपको लुक मिलता है रेनो क्विड का। एक बल्की डिज़ाइन आपको मिलता है रेनो क्विड का पीछे की तरफ से भी देखने पर। अगर आप डोर्स का भी डिज़ाइन देखते हो, पूरा आपको एक बल्की डिज़ाइन यहाँ पर ऑफर किया हुआ है। क्लैडिंग्स भी आती है डोर के ऊपर जो एक प्रोटेक्ट करती है रेनो क्विड की बॉडी को। बाकी आइए अब इसका पीछे का टेलगेट हम ओपन करके देखते हैं। की से आप इसे ओपन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ये इसका पार्शल ट्रे, जिसे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ अभी। आप इसे कुछ इस तरीके से आप यहाँ से निकाल के अंदर भी रख सकते हैं, कुछ इतनी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। 279 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया हुआ है रेनो क्विड के अंदर। बट अगर आप ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हो, आपको फोल्डेबल सीट्स मिलती है। और इसे जो आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड करने पर काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगी पीछे की तरफ। बाकी यहाँ पर आपको 12 का चार्जिंग पोर्ट इसमें ऑफर किया हुआ है पीछे की तरफ भी। आइए अभी इसे लगा देते हैं फिर से इनकी जगह पर, कुछ
इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। फिर से पार्सल ट्रे को भी आप यहाँ पर लगा दीजिए। अभी कुछ इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हैं ये 279 लीटर्स का है। बाकी अब टेलगेट इसका क्लोज कर दे। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लेंथ आपको ऑफर करती है रेनो क्विड, 3.7 मीटर इसकी ओवरऑल लेंथ आप देख पा रहे हैं। अल्टो और डैटसन रेडियो के अंदर आपको 3.4 mm की लेंथ ऑफर करती है, बट रेनो क्विड के अंदर आपको 3.7 मीटर्स की ओवरऑल लेंथ आपको मिलती है। सेगमेंट में सबसे बड़ी आप इसे कह सकते हैं। बाकी पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, सामने की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं और डिपार्चर एंगल भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ऑफर किया गया है रेनो क्विड के अंदर। आइए अब चलते ड्राइवर सीट साइड डोर के ऊपर। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल यहाँ पर आपको ऑफर किए गए हैं। बाकी क्लाइंबर की आप बैजिंग देख सकते हैं यहाँ पर। ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। ओवरऑल कुछ ऐसा ड्राइवर साइड डोर आपको यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ से आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर पूरे डोर हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल से सेंट्रल लॉकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं रेनो क्विड की। नीचे काफ़ी स्पेस है ग्लास होल्डर बॉटल होल्डर्स के लिए जगह है और यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है। फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड का एक प्रीमियम टच यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ्रंट डैशबोर्ड का। सीट्स की अगर बात करें तो पूरे आपको ऑरेंज फिनिश में यहाँ पर सीट्स ऑफर की गई है रेनो क्विड के अंदर। फैब्रिक सीट्स आती है ये ब्लैक और ऑरेंज फिनिश में क्लाइंबर मॉडल में। ऐसा आप रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को। बाकी नीचे आपको फ्यूल लिड खोलने का ओपनर और पीछे का टेलगेट खोलने का यहाँ पर लीवर ये दिया हुआ है। दो लीवर्स इसमें आते हैं। ऐसा आप फ्रंट बोनेट को खोल सकते हैं। नीचे इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के पेडल हैं, आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है रेनो क्विड के अंदर। बाकी आइए अब अंदर बैठते हैं और इसे स्टार्ट हम करके देखते हैं। बाकी की लगा लेते हैं अभी यहाँ पर और पहले न्यूट्रल कर लेते हैं गाड़ी को। ये AMT ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं अभी। और ये कुछ आप फ्रंट डैशबोर्ड देख रहे हैं रेनो क्विड का। काफ़ी प्रीमियम आपको फीलिंग मिलती है रेनो क्विड की। सबसे बेहतरीन आपको क्वालिटी यहाँ पर ऑफर करती है रेनो। बाकी स्पीकर्स के प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में आती है। बाकी ये कुछ आपको इसका लेदर आप स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर मिलती है रेनो क्विड के अंदर। हॉर्न आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है। रेनो की बैजिंग यहाँ पर आती है। काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको मिलती है स्टेयरिंग व्हील के ऊपर। इस तरह पे आपको ये सभी वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं। अगर आप थ्रो देखना चाहते हैं वाइपर्स का तो कुछ ऐसा है। काफ़ी बड़ी ये वाइपर इसमें दिया हुआ है, पूरी मिशी ले क्लीन कर देता है एक ही इसमें। और इस तरफ ये हेडलैम्प्स के कंट्रोल है। अंदर की तरफ इसमें फुल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर अभी देखने को मिलता है। RPM मीटर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये RPM मीटर है इसका। बाकी MID आता है अंदर, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको डिजिटल स्पीड ये शो करेगा, फ्यूल लेवल दिखाएगा, टेम्परेचर, एवरेज डिस्टेंस, कितना फ्यूल बचा है, इतनी फ्यूल में कितने किलोमीटर तक कार चल सकती है। बाकी इस तरफ ये टेम्परेचर फ्यूल गेज आपको दिखाएगा। यहाँ से नीचे से जो है आप फ्रंट हेडलैम्प्स की जो लेवल होती है यहाँ से ऊपर या नीचे कर सकते हैं इसे लीवर के थ्रू। बाकी इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर ऑफर किया हुआ है। यहाँ पर ये वॉइस कमांड के बटन है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही कनेक्टिविटी मिलती है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आपको इसके अंदर मिलती है। बाकी 8 इंच का ये टच स्क्रीन है। वॉल्यूम के इसके सभी ये बटन्स है। मैप्स और नेविगेशन को भी आप इसमें चला सकते हैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करके। ये इसका डार्क मोड है जिसे आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं। AC के वेंट्स आपको यहाँ पर पूरे देखने को मिलते हैं। सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिश आपको पूरी मिलती है। एक प्रीमियम टच आपको मिलता है यहाँ पर पूरा। क्विड की बैजिंग यहाँ पर आती है। ये इसका ग्लो बॉक्स है जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है। ऐसे वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार आता है, कुछ इस प्रकार आप इसे बंद भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ सभी लाइट्स के कंट्रोल है। माइक यहाँ पर आता है, रियर व्यू मिरर है ये। नीचे सभी AC के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पर। हिजार लाइट्स के बटन है, लॉक अनलॉक के बटन से। फ्रंट में जो पावर विंडोज़ आती है यहाँ पर आपको इसमें बटन्स मिलते हैं सभी। और पीछे की विंडोज़ के बटन आपको पीछे मिलेंगे। AC के वेंट से टेम्परेचर और कूलिंग के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं सभी यहाँ पर। बाकी नीचे 12 का चार्जिंग पोर्ट है, USB का पोर्ट है, USB चार्जिंग पोर्ट है।
ये इसका AMT ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आपको मिलता है रेनो क्विड के अंदर। ये कुछ इसका हैंड ब्रेक है, आपको थोड़ी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है अंदर की तरफ भी। बाकी पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, सामने से कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक और ऑरेंज फिनिश के अंदर। सीट्स का डिज़ाइन काफ़ी शानदार ही लगता है। बाकी आइए अब पीछे की सीट्स पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर अभी कितनी स्पेस अवेलेबल है। इसे बंद करते हैं। आइए अब पीछे का जो पैसेंजर साइड डोर है उसे खोलकर देखते हैं। आपको सेम डिज़ाइन मिलता है पीछे का पैसेंजर साइड डोर के ऊपर भी, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स यहाँ पर आते हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलते हैं। पीछे के सीट्स का व्यू आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। आइए अब अंदर बैठते हैं और डोर को लगा लेते हैं। कंफर्टेबल स्पेस आपको मिलती है पीछे, कुछ ज़्यादा ही पीछे मैंने ये सीट्स कर ली है अभी, बट इजीली आप पैरों को स्ट्रेच आउट यहाँ पर कर सकते हैं। अंदर की तरफ भी काफ़ी स्पेस आपको मिलती है। फोल्डेबल ये सीट्स है जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाई थी। फिक्स्ड आपको इसमें हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे, और पार्सल ट्रे भी आपको मिलेगा पीछे की तरफ। बाकी हैंडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है पीछे से। फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं रेनो क्विड का, काफ़ी प्रीमियम ये लगती है सामने की तरफ, सबसे बेहतर ये मैं इसे कहूँगा अपने सेगमेंट की एंट्री लेवल हैचबैक। बाकी आइए अब चलते बाहर की तरफ और इसका इंजन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपको इसके अंदर टोटल दो इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, 800 cc पेट्रोल और 1000 cc पेट्रोल का। बट ये इसका क्लाइंबर मॉडल है तो आपको इसके अंदर एक इंजन का ऑप्शन मिलेगा 1000 cc पेट्रोल का। 800 cc पेट्रोल का इसके नीचे के वेरियंट्स में ऑप्शन आते हैं। और अभी आप जो इंजन देख रहे हैं रेनो क्विड का, ये इसका 1000 cc 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जिसकी 68 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। 91 Nm का इसका टॉर्क है, आपको 21 का एवरेज मिलेगा रेनो क्विड का। बाकी इंजन की प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की गई है इस तरफ। यहाँ से आप वाइपर्स के लिए इसमें पानी भरवा सकते हैं। ये इसका ब्रेक फ्लूइड है जैसे आप इसे चेक कर सकते हो। इस तरफ आपको बैटरी कंपार्टमेंट और फ्यूज़ बॉक्स ये यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि हाई जेट वॉश का यूज़ ना करें यहाँ पर इंजन के अंदर। 3 सिलेंडर ये पेट्रोल इंजन है। और आइए भी इसका बोनेट क्लोज करते हैं। बाकी बोनेट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी इंसुलेशन आपको यहाँ पर मिलती है जो एक NVH लेवल काफ़ी अच्छे बना देते हैं इस गाड़ी के। हम इसे क्लोज करते हैं इसका बोनेट। और कैसी लगी दोस्तों आपको ऑल न्यू रेनो क्विड का ये क्लाइंबर मॉडल, आप बताएं मैंने नीचे कमेंट्स में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो मैं आपके लिए रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।